ज्ञान अभियान आपका अपना क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हीरोन्स फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.1। द ट्रायंगुलर साइड ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक ट्रायंगुलर साइड है फ्लाईओवर का जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। द साइड ऑफ द वॉल ऑफ वॉल्स आर द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड, अब इसके आगे कह रहा है एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, अर्निंग करता ऑफ रुपीज 5000 पर मीटर पर ईयर, है ना, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर अर्न करता है एडवर्टाइजमेंट से, इस वाले एरिया से, है ना। तो हमें बताना है कि ए कंपनी हायर्ड ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी इसको 3 महीने के लिए इस वाले वॉल को, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, इसको हायर करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमको दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है 122 मीटर, बी इक्वल टू दे रखा है 120 मीटर और सी इक्वल टू दे रखा है 22 मीटर। तो एस निकालते हैं, एस का फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारे पास है 122 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 22 मीटर अपॉन 2। अब इसको प्लस करते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा 264 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 2 2 4 इतना मीटर, है ना। ये हमारा हो गया S निकल कर आ गया। जब S निकल कर आ जाएगा तो अब फिर हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है, क्या होता है, S S माइनस A S माइनस B और फिर S माइनस C, है ना। तो S के जगह पे हमें पुट करना है 132, है ना, और ये हो जाएगा 132 माइनस 122, फिर ये हो जाएगा 132 माइनस 120 और ये हो जाएगा 132 माइनस 22, है ना। ए बी सी हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 132 ये हो गया और 132 में से 122 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 10 और ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 12 और ये माइनस करेंगे तो बच जाएगा 110, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस 132 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 132 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 11, है ना। इस वाले 10 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5, इस वाले 12 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और इस वाले इसका करेंगे तो हो जाएगा 110 का। अगर हम ऐसे फैक्टर करते हैं तो ये भी हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 55, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 11, है ना। तो 2 इंटू 5 इंटू 11, है ना, ये हमने सबका प्राइम फैक्टर कर लिया। अब देखते हैं कंपेयर कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ये 2 और 2, है ना, तो पहले एक 2 हमने लिख लेना है, फिर देखते हैं क्या होता है, ये 3 और ये 3, है ना, तो ये हमने 3 लिख लेना है, फिर यहाँ पे ये 11 और यहाँ ये 11, ये 11 हमने लिख लेना है, फिर ये वाला 2 और इसके साथ ये वाला 2, तो हमने ये भी 2 लिख लेना है, फिर ये 5 और यहाँ पे ये 5, ये 5 भी लिख लेना है, फिर अब बच रहा है क्या, ये 2 और ये 2 बच गया, इसको ऐसे लिख लेना है ना। हमने क्या किया, एक तरफ से पेयर बनाना स्टार्ट किया, जो जो पेयर थे सारे बाहर निकाल लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया। अब एरिया निकालने के बाद हमें तो एरिया निकालना था नहीं, निकालना क्या था, इसका कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जगह पे ऐसे छोटा सा जगह ले लेते हैं, ठीक है, तो
कंपनी हैव टू पे लिखेंगे, कंपनी हैव टू पे रुपीज इक्वल टू, है ना, जो एरिया आया 1320, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितना से, 5000 से, और चूंकि ये 3 महीने के लिए ही ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 महीने के लिए ले रहा है तो ये 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो इसका वो निकल के आ जाएगा 12 1 12, तो ये हो गया 12 110 110, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 11 5 55 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 3 5 15 116, 165 12340 12340 इतना रुपीस, है ना, इतना कंपनी को पे करना पड़ेगा, है ना, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 16,50,000, है ना, हमारा फाइनल आंसर हो गया 16,50,000 रुपीस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने हर क्वेश्चन के लिए हमें व्हाट्सएप करें।